दोस्तों, कई बार भक्तों और साधकों के जीवन में ऐसा समय आता है जो समय उनको पूरी तरह से तोड़ के रख देता है। उस समय पर विश्वास भी डगमगा जाता है। कई सारे ऐसे भक्त भी होते हैं जो भगवान का नाम लेना भी छोड़ देते हैं, जो नास्तिक हो जाते हैं, क्योंकि वो उन परिस्थितियों को सह नहीं पाते और ना ही वो ये समझ पाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनके दिमाग में बस एक ही बात होती है कि हमें सुख ही सुख मिले, सब कुछ हमारे अनुसार होना चाहिए, जो हम चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए, हमारी सारी मनोकामनाएं, हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। पर सवाल ये, अगर सुख आप भोगते हैं तो आपके हिस्से का दुख कौन भोगेगा? दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देगी कि जब जो परीक्षा हमारे ली जाती है, जब जब आपके जीवन में दुख आता है तो आपके साथ कुछ घटनाएं अवश्य होंगी। आपको उस समय किस तरह से खुद को मजबूत रखना है, सब कुछ इस वीडियो में आज बताया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें, जिससे हमें पता लग सके कि हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है। दोस्तों, सुख भोगने का असली मजा तभी आता है जब आपने जीवन में दुख भोग रखा हो, क्योंकि अगर आपको किसी लाइन को छोटा करना है तो उसके लिए सिर्फ उस लाइन के बगल में एक बड़ी सी लाइन खींच दो, जिससे जो पहली वाली लाइन है वो छोटी हो जाएगी। उसी प्रकार जब आपके जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, तभी आपको पता चलता है कि सुख की असली वैल्यू क्या है। एक भूखे को ही अन्न का पता होता है कि अन्न कितना जरूरी है, अन्न कितना महत्वपूर्ण है, कितना विशेष है। जिनके तन पर कपड़े नहीं होते वही कपड़ों की वैल्यू को जानते हैं, जिसके पास घर नहीं है वही घर की वैल्यू को जानता है। इसलिए जब दुख आपके जीवन में आता है तभी आपको सुख की असली वैल्यू और उसका अनुभव अच्छे से समझ आता है। वैसे तो इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने सुख और दुख दोनों को प्राप्त ना किया हो। दुख और सुख सब कुछ कर्मों पर आधारित होता है। कोई व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिससे सिर्फ उसको सुख की ही प्राप्ति हो, या फिर कोई भी व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिससे सिर्फ उसे दुखों की ही प्राप्ति हो। पूर्व जन्मों से ही ये कार्य चलता आ रहा है, इसलिए दुख भी भोगने होते हैं और सुख भी भोगने होते हैं। प्रकृति का भी यही नियम है। जब आप पूजा पाठ करते हैं और तब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, आपके इष्ट देव आके आपकी परीक्षा लेते हैं, तब आप इन सब बातों को समझ नहीं पाते हैं कि वो आपकी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। कई लोग जो पूजा भी सिर्फ इसलिए करते हैं कि उन्हें जीवन में कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उनको अगर छोटी सी भी कोई दिक्कत आती है तो वो सीधा भगवान को कोसने लगते हैं, भगवान को सवाल करने लगते हैं कि मैं तो आपकी इतनी पूजा करता हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती हूँ, आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, फिर भी मुझे इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं? इसके लिए आप एक उदाहरण के तौर पर एक कहानी सुनिए। एक व्यक्ति था जो भगवान की बहुत ज्यादा पूजा करता था। एक बार उसके पैर में मोच आ जाती है और वो चलने में थोड़ा असमर्थ हो जाता है। फिर वो भगवान के मंदिर में जाता है और वहां पर उन्हें ताने देना शुरू कर देता है कि भगवान, मैं तो आपकी इतनी पूजा करता था, दिन रात आपका ही नाम लेता हूँ, और फिर भी आपने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। तब उसी रात भगवान उसके सपने में आते हैं और उसे उस एक्सीडेंट का पूरा मंजर दिखाते हैं और समझाते हुए कहते हैं कि वो कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, वो एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट होने वाला था जिसमें तेरी मृत्यु बिल्कुल निश्चित थी। तो कहीं ना कहीं तेरे कर्म, तेरा पूजा पाठ, मेरा नाम, ये सब लेने के कारण वो इतना भयंकर एक्सीडेंट एक छोटी सी खरोंच में बदल गया। तुझे सिर्फ थोड़ी सी मोच आई है। इसके बाद वो व्यक्ति समझ जाता है कि भगवान के कारण वो कितनी बड़ी समस्या से बाहर निकल पाया। इसलिए दोस्तों,
भगवान जब भी आपकी परीक्षा लेते हैं तब वो असल में आपको इस लायक बनाते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हो पाए, कि आप उन परीक्षाओं में सफल हो पाए। भगवान दुख को कभी कम नहीं करते, ना ही आपके जीवन से दुखों को हटाते हैं। दुख तो आपको अपने जीवन में भोगना ही पड़ेगा, वो तो आपके जीवन में आएगा ही, लेकिन उनको भोगने की क्षमता, उन दुखों से लड़ने की शक्ति आपको भगवान जरूर प्रदान करते हैं। और जब आपके अंदर दुखों को भोगने का सामर्थ्य आ जाता है तो आपको दुख दुख नहीं लगेगा। फिर से आप एक उदाहरण समझिए। एक व्यक्ति मिर्ची खा रहा था और जैसे ही उसको मिर्च का एहसास होने लगता है तो उसने तुरंत एक गुड़ की डली को खा लिया और उसको आराम लग गया। फिर उस व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति पूछता है कि क्या मिर्च का तीखापन खत्म हो गया? तब वो पहला व्यक्ति जवाब देता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मिर्च का तीखापन तो उतना ही है, लेकिन गुड़ ने मिर्च के तीखेपन को झेलने की शक्ति दे दी, जिससे मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैंने मिर्च खाई है। भगवान आपके जीवन में जो भी रोल प्ले करते हैं, आपके जीवन में उनका जो कार्य होता है वो यही होता है कि वो आपको इतनी क्षमता प्रदान कर दे, इतनी शक्ति दे दे कि वो दुख आपको दुख ही ना लगे। इसलिए भगवान को दोष मत दीजिए, उनको कोसना बंद करें, अपने कर्म पर ध्यान दें, अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग करें। अब हम ये समझते हैं कि भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो कैसे लेते हैं, वो कौन से संकेत होते हैं जिससे आप जान पाएंगे कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो कई बार ऐसा होगा कि आप खाना खा रहे होंगे और दरवाजे पर आपके कोई अचानक से व्यक्ति आ जाएगा जो भूखा होगा, या फिर कोई मांगने वाला आ जाएगा, या फिर कोई जानवर जैसे कोई कुत्ता कोई गाय आ जाएगा। और उस समय अगर आप अपनी थाली में से उसे रोटी खिला देते हैं तो इसका मतलब है कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कई लोग उस थाली में से नहीं बल्कि अपने घर में से रोटी दे देते हैं, लेकिन आपको उसी थाली से रोटी देनी है, क्योंकि इससे ऐसा माना जाता है कि आपने अपने मुंह का निवाला उसे दे दिया और ये बहुत बड़ा दान माना जाता है। तो अगर ऐसा लक्षण दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कई बार भगवान आपकी परीक्षाएं ऐसे लेते हैं कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई व्यक्ति आपको मिलता है जो ठंड से कांप रहा है, तो आपके मन में ये भाव आ जाता है आप उसके लिए कंबल, जैकेट या फिर अपना ही कोई कपड़ा दे देते हैं। ये भी बहुत बड़ा दान माना जाता है, किसी भूखे को खाना खिलाना या फिर किसी जरूरतमंद को वस्त्रों का दान कर देना। तो कभी भी भगवान की बनाई हुई वस्तुएं जैसे जीव जंतु या फिर असहाय लोग जो खाने में असहाय हैं, पीने में असहाय हैं, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जो ज़रूरतमंद है, उनकी मदद करना बहुत बड़ी सेवा होती है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई भी भगवान की कृपा आपसे अछूती नहीं रहेगी, हर भगवान आप पर कृपा करेंगे। बस आपको कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो सदैव आपके साथ रहते हैं, वो आप पर कृपा बनाए रखते हैं। आपने सुदामा जी का दृष्टांत भी जरूर सुना होगा। वो भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त रहे और उनके सखा भी रहे। उनकी तो इतनी गरीबी थी कि उनके खुद के घर में दो वक्त के लिए खाने के लिए भी नहीं था। और जब वो श्री कृष्ण जी के दरबार में जाते हैं तब लोग उन पर हंसते हैं कि द्वारकाधीश जी के सखा ये कैसे हो सकते हैं। और आप ये हमेशा देख भी सकते हैं कि सुदामा जी ने कभी भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। उन पर उनका विश्वास अटूट था और जब भी वो खाना खाते थे, जब कभी भी उनको खाने को मिलता था तो सबसे पहले वो भगवान का स्मरण करते थे, उनको भोग लगाते थे और उनको धन्यवाद भी करते थे। और उसके बाद भगवान की कृपा से उनका जीवन, उनकी किस्मत ऐसी पलटी कि जब वो द्वारकाधीश जी के महल में थे तब सुदामा जी के लिए महल तैयार हो रहा था, सुदामा जी के लिए वस्त्र तैयार हो रहे थे। और आज श्री कृष्ण जी के साथ सुदामा जी का भी नाम लिया जाता है और अंत समय में भी सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण जी के धाम को पधार गए। ऐसे ही तुलसीदास जी के बारे में भी आपने सुना होगा। तुलसीदास जी जो भगवान श्री राम जी के अनन्य भक्त रहे, हनुमान जी के अनन्य भक्त थे, जब उनको शारीरिक पीड़ा हुई, उनके शरीर पर घाव होने लगे, उनको बीमारी ने जब जकड़ लिया,
तब उन्होंने हनुमान जी से विनती की। लाख विनती करने पर भी जब हनुमान जी नहीं आए तब भी उन्होंने विश्वास नहीं तोड़ा और हनुमान जी की कृपा हुई और उसके कारण उन्होंने हनुमान साठिका की रचना कर दी। हनुमान साठिका अगर आपको नहीं पता तो ये समझिए कि हनुमान साठिका एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसा पाठ है जिससे शारीरिक रोगों पर विजय प्राप्त की जा सकती है हनुमान जी की कृपा के साथ। तो ऐसे लोग जिन्होंने भगवान पर विश्वास कभी नहीं तोड़ा और अगर आप भी अपने विश्वास पर अडिग रहते हैं, भगवान पर हमेशा विश्वास रखते हैं और ये मानकर चलते हैं कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं, तो ये विश्वास रखिए और ये बात गांठ बांध लीजिए कि आपका भी बेड़ा पार जरूर होगा। भगवान आपके भौतिक जीवन को तो सुखमय बनाएंगे ही और साथ ही आध्यात्मिक जीवन को भी सुखमय बनाकर आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए कभी भी भगवान पर अविश्वास ना करें, सदैव उन पर विश्वास बनाकर रखें। सुख दुख सबके घर में आते हैं, सबके जीवन में आते हैं, लेकिन भगवान स्वयं आपका भला चाहते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। आशा करते हैं दोस्तों अब आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, रिश्तेदारों दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि सभी का जीवन सकारात्मक बन सके। हम आपसे मिलेंगे अगली ही ऐसी जानकारी वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।